ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं एतद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र सूत्र नंबर 7 पेज नंबर 65 ये वाली पुस्तक 6 सूत्र किसको याद है विष्णु के? इन 6 सूत्रों में किसका वर्णन किया? नरकों का। अभी तक किसका वर्णन हुआ? अधोलोक का, नरक का। अब किसका वर्णन चलेगा? मध्यलोक का। तो ये 6 सूत्रों में नरक अर्थात अधोलोक का वर्णन हुआ। ये 6 सूत्र किसको याद है? हे किसी को याद? सब कठिन है, इसके बड़े बड़े सूत्र। 2 सूत्र सरल है, बाकी तो 6 में से 5-4 तो किसको याद है? याद है बताओ, जितना याद है तब बोलो। संक्रिष्टो श्री दुखाश बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा व्यक्ति ये हो गए, 6 हो गए। ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे संस्कृत तो सबने पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, तो स्कूल तो गए हुए ना, ऐसे कोई तो नहीं है जो स्कूल ही नहीं गए हो। चौथी फेल ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, जो चौथी फेल होते हैं वो अपने देश में राष्ट्रपति बन जाते। राष्ट्रपति जेल सिंह चौथी फेल थे, ग्यारह जेल सिंह। इसलिए यदि हो कोई चौथी फेल तो ज्ञान जेल सिंह बनता। देखो क्या है, मध्य लोक का वर्णन है ये, 6 सूत्रों का ना ये। इन 6 सूत्रों में नरकों का वर्णन हुआ, अधोलोक का। अब मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप, एक तो जम्बू द्वीप, दूसरा लवण उदय, लवण लवणोद, लवणो लवणोद आदय, लवणोद माने उद, उद उद जल को कहते हैं ना, तो लवणोदी लवणोदक, जिसका जल किसके समान है? उद माने जल, जिसका जल किसके समान है? लवण माने है नमक, जिसका जल नमक के समान है वो क्या है? लवणोदय, लवणो और आदया। जम्बूद्वीप और लवण लवणोद आदया, आदि और भी अनेक। शुभ नामानो, शुभ माने अच्छे, नामानो माने नाम वाले, अच्छे अच्छे नाम वाले। द्वीप समुद्रा, द्वीप है और समुद्र है। जम्बूद्वीप और लवणोद लवणोद को आदि लेकर, या जम्बूद्वीप लवणोद नदी आदि अच्छे अच्छे नाम वाले अनेक द्वीप समुद्र है। कहाँ पे है? कहाँ ये सब? मध्यलोक में। मैंने ये एक सूत्र में बता दिया मध्यलोक में क्या है। मध्यलोक में जम्बूद्वीप और लवणोद नदी नाम के, लवणोद नदी आदि अनेक अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप समुद्र है। यहाँ ये मध्यलोक में द्वीप समुद्र है, नारकियों में बिल है और ऊर्ध्वलोक में विमान है। क्या मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में जम्बू द्वीप और लवणोदी या लवण समुद्र, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि, आदि माने एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी अनेक, अनेक माने कितने, संख्यात की असंख्यात, असंख्यात अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप समुद्र। नाम बोलो अच्छे अच्छे, जम्बू द्वीप,
क्या पुष्करवर द्वीप, धातकी खंड द्वीप, क्षीरवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, पुष्करवर द्वीप, रुचकवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, स्वयंभूरमण द्वीप, कितने अच्छे अच्छे नाम है, शुभ नाम वाले, अशुभ नाम वाले नहीं, क्या अच्छे अच्छे नाम वाले, खूब सारे तो द्वीप है और खूब सारे समुद्र है, हाँ परमानेंट। और नाम तो क्या है, नाम तो गिनती के, अपन कितने नाम बना सकते हैं, अक्षर कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कैरेक्टर कितने होते हैं, सही बताया कितने होते हैं, 64, थोड़ा जोर से बोलो, कितने होते हैं वर्ण, 64, 27 तो स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग वा, ऐसे बताया था ना, 64 वर्ण होते हैं, 64 कितने वर्ण होते हैं, 64, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, 26, अपनी हिंदी बहुत पावरफुल है, संस्कृत भी बहुत पावरफुल है, 64 है उसमें, इनके तो 26 ही विचार है, इसको उल्टा भी कर लो तो 26 का 62 ही होता है, अपने 64, अरे नहीं उल्टा, 64 वर्ण है, 64 वर्ण से कितने अक्षर बनेंगे, चौसठ वर्ण के कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, 2 की घात 64 माइनस 1, 2 की पावर 64 माइनस 1, ये फॉर्मूला है, देखो 3 की कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, 7, 3 के 7 बनेंगे ना, क्यों अस्ति है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इन 3 के भंग बनाओ कितने बनेंगे, अकेला युधिष्ठिर, अकेला भीम, अकेला अर्जुन, युधिष्ठिर भीम, युधिष्ठिर अर्जुन, भीम अर्जुन, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, 7 ही बनेंगे, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कितनी भंगी बनती है, सप्तभंगी, तो 3 के कितने भंग बने, 7, 4 के कितने बने, 15, 5 के 31, 6 के 63, 7 के 127, 8 के 255, 9 के 511, 10 के 1023, ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे 10 के बनाए, ऐसे 64 के बनाओ, इसका फॉर्मूला है, जितने के बनाने हैं उतनी बार 2 का आपस में क्या करो, गुणा, उत्ते 2 रख के आपस में उनका गुणा कर दो, जैसे 3 के बनाने हैं तो 2 को कितनी बार आपस में गुणा करो, 3 बार, तो 64 के बनाने हैं तो 2 को 64 बार आपस में क्या करो, गुणा करो, मैंने 2 की पावर 64, समझ में आता है ना, इतना गणित तो पढ़ रखा हुआ, 2 की पावर 64 आता ही नहीं, पढ़ा ना थोड़ा तो 10वीं तो नहीं होंगे सर, 2 की पावर 64 माइनस 1 जो आए उसमें से 1 घटा दो, तो कितने पद हो जाएंगे, ये कितने अक्षर हो जाएंगे, 2 की पावर 64 करोगे तो क्या आएगा, देखो अब निकाल लेने का अपने, 4, 16, 256, 65, 536, 65, 536 में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, 4, 8, 16, 2 की पावर 16 हो जाते हैं, 65,536, 2 की पावर 16 कितना आएगा, 65,536, 65,536 को 4 बार आपस में गुणा करो, 65,536 की पावर 4 कर सकते हैं कि नहीं, अरे सब लोग सो जाएंगे भैया, तो 65,536 की पावर जो 4 आएगा उसमें से 1 कम कर दो, उतने ही आप कैरेक्टर के शब्द बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप 1 भी नहीं बना सकते हो, नॉन रिपीटेड, फिर जो भी आएगा रिपीटेड ही होएगा, अपूर्ण रूप तक अक्षर इतना ही बन सकते हैं,
पुनरुक्ता जाएंगे। समझ ना? तो अब क्या है कि इतने शब्द तो इतने ही मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे नहीं। और द्वीप कितने हैं? असंख्यात। तो अब एक ही नाम वाले द्वीप कितने मिलेंगे अपने को? असंख्यात। जम्बूद्वीप नाम के द्वीप मध्य लोक में कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात, क्योंकि नाम जब पूरे हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वही का वही नाम रिपीट होएगा, तो वही नाम रिपीट हो जाता है। तो अपन जाने तो इसकी बात करते हैं, अपन तो अपने वाले की बात करते हैं। लेकिन जो है जम्बूद्वीप नाम के अनेक द्वीप समुद्र आएंगे, अनेक द्वीप आएंगे, असंख्यात द्वीप आएंगे, क्योंकि आपके पास नाम तो गिनती के और आपके पास द्वीप असंख्यात है, तो वही के वही नाम जो है बार बार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो एक ये। क्या एक भी जन्म ऐसा नहीं होगा जिसका नाम वो कहे कि मेरे जैसा नाम किसी का नहीं है? है कोई ऐसा? कोई कुछ तो भी नाम रख लिया हुआ बात ना कि? क्या आधा चाइनीज आधा हिंदी आधा इंग्लिश फूबा में ऐसा नाम किसी का नहीं है। लेकिन इसके अलावा तो बाकी कोई नहीं, जो भी नाम रखा होगा वो नाम जो है किसी और का तो मिल ही जाएगा। तो ये नाम रिपीटेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि नाम गिनती के और लोग ज्यादा है, तो ये तो लोग तो फिर भी संख्यात ही है, जब असंख्याते हो जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए हर एक नाम वाले जो द्वीप समुद्र है वो असंख्यात है, क्योंकि जब सारे शब्द खत्म हो जाते हैं तो फिर अपन वही के वही शब्दों का फिर उपयोग करने लगते हैं। इसलिए जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात द्वीप है, लवण समुद्र नाम के असंख्यात समुद्र है। अच्छा, इसमें नियम है कि ढाई द्वीप तक तो जो द्वीप और समुद्र के नाम है वो अलग अलग है, तीसरे द्वीप और तीसरे समुद्र तक द्वीप और समुद्रों के नाम अलग अलग है, और चौथे से जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। ये नियम है, माने तीसरे द्वीप और तीसरे द्वीप तक ऐसी व्यवस्था है कि द्वीप का नाम अलग जा रहा है, समुद्र का नाम अलग जा रहा है। क्या उसके बाद के चौथे द्वीप से लगा के आखिरी स्वयंभूरमण द्वीप तक द्वीप और समुद्र का नाम एक सा है? जैसे नंदीश्वर द्वीप है तो उसके बाद जो समुद्र है उसका नाम क्या है? नंदीश्वर। क्षीरवर, क्षीरवर समुद्र है तो उसके द्वीप का नाम क्या है? क्षीरवर द्वीप। क्षीर सागर है ना, उस द्वीप का नाम है क्षीरवर द्वीप। वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र। घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। इनके नाम भी ऐसे ही है, जिसके पानी का स्वाद घी के समान, पानी का स्वाद भी घी के समान होता है। जिस समुद्र के जल का स्वाद घी के जैसा है उसका नाम है घृतवर द्वीप। जिस समुद्र के जल का नाम, जल का स्वाद अच्छा गन्ने के रस जैसा है तो उसको इक्षुवर द्वीप। और क्षीर दूध के समान है तो क्षीरवर द्वीप है। पानी बहुत तरह का होता है, कहीं कहीं का पानी इतना अच्छा आता है कि वहां का खाना मजेदार लगता है, पानी के स्वाद होते हैं बहुत। कोई कोई पानी भी मीठा होता है, कोई पानी खारा होता है, कोई पानी घी जैसा होता है अच्छा पौष्टिक होता है, कोई पानी नहीं पचता है किसी को, पानी से खाने में भी फर्क पड़ जाता है। कभी ड्रेनेज की लाइन का पानी मिल जाए जो उससे रसोई दे सब भग जाएंगे, भले तुमने कितने घी डाल दिया उसे, क्या घी डाल दो केसर डाल दो। लेकिन खैर अब उसमें तो मिलावट हो गई, लेकिन जो नीचे भी पानी रहता है सब तरह का रहता है, पानी गंदा भी रहता अच्छा भी रहता। नमक के स्वाद जैसा लवण समान, फिर दूध के समान है क्षीरवर है, एक शराब के स्वाद जैसा भी है क्या वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र। वारुणी माने पी के, माने उसके जैसा स्वाद है, लेकिन पी के नशा नहीं चढ़ता, नहीं तो वहां का पानी लेके आ जाने लग जाए, पानी करे कि वहीं से पानी दिया। क्या ऐसे द्वीप समुद्र है ये सब? देखो पहले द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप,
और उसके बाद समुद्र का नाम लवण समुद्र, दूसरे द्वीप का नाम धात की खंड द्वीप, उसके समुद्र का नाम कालोदरी समुद्र, फिर तीसरे द्वीप का नाम पुष्करवर द्वीप, वो आधा ही है, माने आधा मतलब द्वीप तो पूरा है लेकिन आधे तक मनुष्य पाए जाते हैं, उसके बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते, इसलिए अपन अपनी अपेक्षा से अपन ने उसका आधे जहाँ तक मनुष्य पाया जाता है उसका नाम अपन ने दिया पुष्करार्ध द्वीप। क्या नाम दिया? पुष्करार्ध। बीचो बीच सेंटर, एकदम जो सेंटर में वो फर्स्ट है, पर वहां से स्टार्ट हो रहा है अभी, इसमें आएगा आगे, पहला सेंटर है उसको घेर के दूसरा है, उसको घेर के तीसरा है, उसको घेर के चौथा है, सबसे पहला वाला थाली के समान है, उसको घेर के जो है वो सब चूड़ी के आकार के समान है, बीचों बीच थाली के अंदर अपन सबसे बीच वाले में, वैसे मनुष्य लोग है ही बीचों बीच में, ढाई दिन उसके बाहर सब फैला है, पूरी गैलेक्सी इसके बाहर है, सब बाहर है अपने से, अपन बीचों बीच के गैलेक्सी का वर्णन ही अलग है, द्वीप समुद्र सारे अपने दूर दूर है, मैंने चारों दिशाओं में चले जाओ आपको द्वीप समुद्र मिल जाएंगे, अपन सबसे मध्य में रहते हैं, जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप के दक्षिण में रहते हैं, भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के भी दक्षिण में आर्यखंड, और दक्षिण जाएंगे तो लवण समुद्र मिलेंगे। फ्लैट है, फ्लैट माना गया है अपने तो, अपने सारी रचना फ्लैट, आसमान ऊपर है, किसके आगे? स्काई के ऊपर स्काई है, उसके ऊपर आकाश है, माने आकाश तो चलते ही, लेकिन आकाश तो अनंत है, अनंत है, अनंत, हाँ ऊपर तो जैसे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों के विमान है, और ऊपर जाओ तो खाली आकाश पड़ा, 1990 से लेके 900 योजन तक इनके विमान है, मतलब यहाँ से लेके 1,00,000 योजन, मतलब 790 से 900 योजन, यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई पर जाकर ज्योतिषी देवों के विमान प्रारंभ होते हैं, और 110 योजन की मोटाई में फैले हुए हैं, और वहाँ 900 योजन तक पूरे फिनिश हो जाते हैं, 900 योजन से लेके ऊपर 1,00,000 योजन तक खाली एरिया पड़ा हुआ, बिल्कुल खाली प्लेन आकाश है, और फिर उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक के विमान चालू हो जाते हैं, 7 राजू ऊपर फैले हुए, और फिर 7 राजू के ऊपर से दृश्य है, बीच बीच में इनके जो विमान है, बीच बीच में असंख्या योजनाओं का अंतर सब ऊपर है, अभी तुम जाके देखेंगे, अभी जब मरेंगे तब, अभी तो जीते जी यही देख लो अपन जिनवाड़ी में जो लिखा है, उसके बाद ऊपर से घूमेंगे फिरेंगे, यही काम करेंगे, वहाँ जाके देखते रहेंगे जो कुछ भी लिखा है वो सब थाक नहीं है कि नहीं है क्या, सबसे पहले सोधन मंदिर की विजिट हुई सब है ऊपर इस तरह से, ये सब परम सत्य, इसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज द प्रूफ कि ये सब सही है, तो क्या हो गया आगे में, तो देखो ये किनकी वाणी है, ये वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी है, और उनके वचन कभी अन्यथा नहीं होते, क्यों नहीं होते अन्यथा, क्यों? क्योंकि झूठ का कारण दो है, राग द्वेष और अज्ञानता, तो हमने पहले कह दिया कि उनके ना तो कषाय ना ज्ञान है, कषाय से झूठ बोलता है, कषाय के अलावा झूठ नहीं बोल सकता, और यह अज्ञान हो, कषाय और अज्ञान का जब उनके माना गया है कि कषाय और अज्ञान उनके है ही नहीं, तो इसलिए उनके ज्ञान में जो भी झलका है वो उन्होंने बताया, उनके वचन इसलिए अन्यथा नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ माना है ना हमने उन्हें, या तो सर्वज्ञता को ना कर दो, कि सर्वज्ञता होती नहीं कुछ ही, तो उसकी सिद्धि करिए जिनवाणी में कि सर्वज्ञता संभव है, सर्वज्ञता असंभव नहीं है, तीन लोग तीन काल का ज्ञान संभव है, कोई जीव ऐसा होता है यहाँ पर जिसको ज्ञान की थोड़ी अधिकता होती है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको परिपूर्ण ज्ञान पाया जाए, और तीन लोग तीन काल को जानने वाला ज्ञान
कोई जी ऐसे होते हैं यहाँ पे जिनके रागादिक की हीनता पाई जाती है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके रागादिक का पूरा अभाव पाया जाए। इसलिए कषाय का अभाव होना और ज्ञान की परिपूर्णता असंभव कारणी है, इसलिए वो चीज संभव है और ऐसे जीव हुए हैं। क्या मैंने ये जो अपने चित्ते 24 तीर्थंकर है, जिनेन्द्र भगवान है, ये सब वीतरागी सर्वज्ञ देव है और इनकी जो वाणी है वो सच्ची और अच्छी है, इसलिए इनकी वाणी सत्यता होने से ये सब सत्य है और ये उनकी वाणी है, भगवान जिनेन्द्र की वाणी है और भगवान जिनेन्द्र की वाणी होने से इसकी सत्यता है। दूसरा, इसमें कोई किसी का प्रयोजन भाषित नहीं होता कि इसमें ये जम्बू द्वीप, यदि वो कह दिया कि जम्बू द्वीप और लवण समुद्र है तो इससे उनका क्या प्रयोजन भाषित हो रहा है। हाँ, यदि वो यूँ कहें कि भाई पेड़े खाने से धर्म होता है, सबसे पहला पेड़ा जो है वो पंडे को बांटना चाहिए, क्या ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों को शांति मिलती है, तो खाना है ब्राह्मणों को शांति मिल रही, पितराओं को उनके यहाँ खाता है ब्राह्मण और मेरे पिताजी को शांति मिलती, गजब हो जाता है ना ये, क्या खाया ब्राह्मण और मेरे पिताजी जो मर के पता नहीं कहाँ गए हैं, उनकी आत्मा और उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, उससे मेरे को शांति हो रही है, उनको शांति कैसे हो रही है। इसमें तो प्रयोजन भाषित होता है, ब्राह्मणों ने अपनी अनेक पीढ़ियों की व्यवस्था कर ली पिट्ठों ने आराम से की थी, और ऐसे ही अनेक बातें हैं। क्या शनि अमावस्या को यदि तुमने ये चढ़ाया नहीं तो तुम्हारा सना हो जाएगा, शनि हो जाएगा, शनि भी और अमावस्या भी काला डोरा बांध के निकलो वो काला डोरा हमारे मिलेगा, लेकिन आज के दिन डिस्काउंट क्या धंधे हैं सारे, धंधे होते ही नहीं होते, बिजनेस धंधे धर्म के नाम पर बिजनेस बना रखे, तो अपने समझ में आता है कि यहाँ तो इनका प्रयोजन भाषित होता है, लेकिन यहाँ अपन क्या मांग रहे हैं किसी से। जिनवाणी माँ धर्म लेती नहीं है बल्कि और कहती है कि धर्म का लाभ छूटे वो बात बताती है, बताते हैं यहाँ कुछ भी धर्म धन नहीं मांगा जाता, यहाँ तो धन के प्रति प्रीति को छुड़ाया जाता है। इसलिए जिनवाणी माँ सर्वोत्कृष्ट वाणी है, भगवान जिनेन्द्र की वाणी है और इसमें कोई विरोध नहीं आता है, मैंने इसका कोई वादी प्रतिवादी विरोध नहीं कर सकता, युक्ति और अनुमान से इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई विरोध नहीं आता है, तत्वों की बात है और अपने प्राणी मात्र की हितकारी है क्या, इसलिए ये परम सत्य है, इसलिए इसकी वाणी में असत्यता की कोई गुंजाइश नहीं। अरे भाई, जो व्यक्ति प्रयोजनभूत बात में ही असत्य नहीं बोलता है वो अप्रयोजनभूत बातों में असत्य क्यों बोलेगा। जहाँ मतलब की बातों में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, अरबों रुपए का फायदा हो रहा है क्या यदि वो झूठ बोल दे तो, और तो भी वो एक लाइन झूठ बोलने को तैयार नहीं, क्या करोड़ों रुपए नुकसान हो जाए तो हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। तो जो आदमी इतना सत्यवादी हो वो जो जिससे उसके पैसे का कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीज में वो असत्य क्यों बोलेगा, क्या समझ में आया ना। तो असत्य जो प्रयोजनभूत बातों में नहीं बोलता है वो अप्रयोजनभूत बातों में निरर्थक असत्य वचनों का प्रयोग नहीं करते, और ये जो है ये द्वीप समुद्रों में असत्य बोलने से उनको क्या सिद्ध होगा। आज भले ही विज्ञान नहीं जान पाए, छन्मस्त लोगों की बुद्धि नहीं चले, वो नहीं देख पाए, लेकिन उससे ये जो वाणी है भगवान जिनेन्द्र की, इसकी सत्यता पे कोई प्रकार की आँच नहीं आ सकती, क्या इसकी सत्यता में कोई संदेह नहीं। दुनिया तो ऐसा है, विज्ञान तो बदलता रहता है, बल्कि कोई अच्छा आदमी समझदार हो तो इसके ऊपर रिसर्च करके पेपर लिख दे, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये सच्चा है, तो ये बात प्रूफ करे कि ये जो लिखी है वो सच्ची है, और जब तुम कह रहे हो सत्य नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रिसर्च का काम तो कंटिन्यूस रिसर्च होती है, रिसर्च का मतलब क्या है, जिसकी सर्च हो गई उसकी फिर रिसर्च है, वो खोज का काम है, वो ये नहीं कहते कि हम परम सत्य, मतलब हमने खोज की है और अभी खोज चलती रही, और इसका जो आधार है वो सर्वज्ञता है, वहाँ कोई खोज नहीं की उन्होंने, उन्होंने तो जो उनके ज्ञान में जैसा वस्तु स्वरूप झलका है जैसा उन्होंने बताया, विश्व का स्वरूप छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, क्या असंख्या द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, सबसे बीच में जम्बू द्वीप, ये उनके ज्ञान में झलका, जो झलका वैसा का वैसा उन्होंने बताया। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये बड़ा आजकल के लोगों को बड़ा वो लगता है, कहाँ है जम्बू द्वीप, जहाँ बैठे हैं वही है, कि लोग तो इसको अर्थ कह रहे हैं, आप जम्बू द्वीप कह रहे हैं, जम्बू द्वीप ही है हमारा। 4,000 कोस, एक कोस में 4,000 मील, सॉरी 4,000 मील, 2,000 कोस, एक कोस में 2 मील होते ना,
जितनी अकृत्रिम रचनाएं हैं इन सब में बड़ा वाला कोष, बड़ा वाला प्रमाण योजन लेना, इन सब में नियम है। इन सब में जब जब भी एक योजन कहे तब तब उसका अर्थ 4000 मील लगा लेना। क्या लगा लेना? 4000। छोटा जो योजन होता है वो उसका 500वां भाग होता है 8 मील का, लेकिन वो केवल मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई या मनुष्यों के खुद के बनाए हुए घर नगर उनकी लंबाई चौड़ाई नापने में काम आता है, कृत्रिम चीजों की रचनाओं के नापने में काम आता है छोटा वाला योजन। लेकिन ये सब अकृत्रिम रचना है, द्वीप समुद्र और ये ज्योतिषी लोग, इसलिए ये सब बड़ा योजन से ही नापेंगे। बड़ा योजन का नाप है एक योजन माने 4000 मील। ठीक है, तो ये हुआ ना पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, उसके बाद में चौथा द्वीप, चौथा समुद्र क्या, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। कालो नदी के बाद सब बढ़िया है, ये पानी पियो आराम से इनका बिना छाने, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ का पानी आता नहीं ना, कोई पाइप भी नहीं लगा सकते वहाँ, क्या अपन, क्योंकि अपन वहाँ जा ही नहीं सकते 2.5 दिन के बाद, नहीं तो वहीं से सीधे लोगों पाइपलाइन ले आते हैं प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, वहाँ से देव तो ले आते हैं, ऐसे देव तो क्षीर सागर समुद्र का जल ले आते हैं, लेकिन वो देव से वहां से लेके यहाँ तक पंक्ति बना के खड़े हो जाते हैं, असंख्यात है वो, उनकी भीड़ बहुत है, देव मनुष्य तो काम है, तो वहां से यहाँ तक उनकी पंक्ति लग जाती है, ऐसे ऐसे सीधे सीधे देते जाते हैं, ऊपर पहुंच जाता है 1 सेकंड। और अच्छे बड़े कलश होते हैं वो, अपने ऊपर डाल देते अपन तो नीचे ही आ जाएंगे। हाँ वो कलश कितने बड़े बड़े थे, उनके कई कई प्रमाण पढ़ना उनके, 178 कलश प्रभु जी के सिर डूरे, और एक एक कलश क्या है वो ऐसा लगे जैसे पूरा तालाब है, इतने बड़े बड़े कलश होते हैं, वो उनके सिर पर डालते हैं बच्चे के, वो वज्रषभ नारायण सनन का उनका शरीर होता है, नहीं तो और किसी के सिर पर डाले तो वो तो नशे पड़ जाए उसके माथे, उनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, नहीं तो वो केस लगा दे उनके पिताजी ये क्या यहाँ से ले गए। लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो इंद्र है, उनको सब अवधि ज्ञान से पता है। तो ये असंख्या द्वीप असंख्या समझते हो, और ये 2.5 द्वीप है ना, 8वां, इसके बाद में 8वां द्वीप कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप। 11वां रुचतवर द्वीप, और 13वां कुंडलवर, और अंतिम द्वीप का नाम क्या? स्वयंभूमन द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभूमन समुद्र। खास खास है मेन मेन, पहला जम्बू द्वीप, फिर दूसरा लवण घातीखंड द्वीप, तीसरा पुष्करवर द्वीप, और फिर 8वां नंदीश्वर द्वीप, 11वां रुचकवर, फिर कुंडलवर, फिर स्वयं रमण द्वीप। 8वें नंबर का है स्वयं रमण समुद्र का, स्वयं समुद्र आधा राजू का है, और द्वीप 1/4 राजू का है। हाँ ज्यादा, क्योंकि वहाँ अकृत्रिम चित्यालय में 52 चित्यालय है, बाकी 11वें और 13वें में भी रुचक वर्मन वहाँ 4-4 ही है, बाकी सब जगह में कुछ नहीं है, केवल अपने 2.5 द्वीप के बाहर तीन ही ऐसे द्वीप है जहाँ अकृत्रिम चित्यालय है, एक 8वां 11वां और 13वां, उसमें भी 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है उसमें 52 है, 11वें और 13वें में 4-4 ही है, और इसलिए सारे देवतागण आ जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में। कब? अष्टांग का। तो जम्बू द्वीप देखो, पढ़ता हूं मैं अर्थ, कुछ प्रश्न तो पूछ लेना है इसमें। जम्बू द्वीप में मध्य लोक में जम्बू द्वीप और लवण समुद्र वगैरह अनेक द्वीप और अनेक समुद्र है, बीचों बीच का द्वीप जम्बू द्वीप है, थाली के आकार, उसको घेर के लवण समुद्र है, फिर उसको भी घेर के, ये सब चूड़ी के आकार के, केवल एक थाली के आकार का कौन है? जम्बू द्वीप अकेला, बाकी उसको घेर के जितने द्वीप समुद्र है सब चूड़ी के आकार के, और सब गोल गोल है, और आखिरी में क्या हो जाएंगे, फिर गोल गोल होने के कारण आखिरी में 4 कोने बच जाते हैं, ऐसे पूरी चौकोर रचना है 1x1 राज्य की,
कितने राजू की, एक राजू लंबा है एक राजू चौड़ा है, ऐसे एक राजू लंबा चौड़ा है पूरा मध्यलोक है, उसमें गोलाकार रूप से रचनाएं हैं, तो आखिरी में चार कोने बच जाते हैं, वो गोल गोल दिन समुद्र पूरे है उसके अंदर, और ऊंचाई है उसकी 1,00,000 योजन, 1,000 योजन नीचे, 99,000 पृथ्वी तल से ऊपर है, ये ऊंचाई है उसकी। मध्य लोक में जम्बू द्वीप और लवण समुद्र वगैरह अनेक द्वीप और अनेक समुद्र है, अर्थात पहला द्वीप जम्बू द्वीप है और उसके बाद पहला समुद्र लवण समुद्र है। कई लोग इस समुद्र को लवण समुद्र मानते हैं, किसको, ये जो अपने पास में है ना बे ऑफ बंगाल, और इधर कौन सा आ जाता है इंडियन ओशन, अरेबियन सी। तो भैया तुम ये कितने सारे सी है, लेकिन ओशन कितने सारे, अपन तो एक ही मान रहे हैं ना लवण समुद्र, लेकिन उनको इसका पानी भी खारा लगता है तो बोले लवण समुद्र। और ये जो अमेरिका ने विद्या देता है, और ये हिमालय है, ये हिमवान पर्वत है, तो मैंने कहा पाकिस्तान में लोग ऐसा नहीं भैया, पाकिस्तानी पहले अपने अपने साथ में था, पहले अपने देश का हिस्सा था वो भी, क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अरे आपको मालूम नहीं, आप पुराना यदि हिंदुस्तान का नक्शा देखोगे इतना बड़ा हिंदुस्तान था ये, कंबोडिया तक, कंबोडिया बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा भारत, बहुत बड़ा था, लेकिन क्या करो अपने जो पूर्वज थे वो थोड़े ऐसे क्या आपस में लड़ते रहते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो आपस में लड़ते हैं, इनको जीत सकते हैं आराम से, उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कितने सारे टुकड़े हो गए आपसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या और भी ये भूटान, भूटान, कंबोडिया, मतलब बहुत आगे, आप इधर देखना कभी ईस्ट साइड में, ईस्ट है इंडोनेशिया का पता नहीं मेरे को, और भी को बहुत सारे चाहिए, बहुत प्राचीन एक नक्शा देखा था उसमें मैंने, तो उसके अंदर से पता चला कि कितने सारे ये सब भारत देश के हिस्से थे ये सब, और उनमें उन देशों में पंचमेरु की रचनाएं, नंदीश्वर द्वीप की रचनाएं मिली, मंदिर है उन देशों में, जीर्ण शीर्ण हालत है, क्या 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, उसका उन्होंने क्या करा, वहाँ बुद्ध धर्म चलता है, तो यू मूर्ति थी ना, तो इन्होंने यहाँ से काट दिया और एक ऐसा जोड़ दिया, तो यहाँ दिखता है निशान, और फिर 24 दिख गए, तो रिसर्च करने वाले ने बताया ये वास्तव में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये कोई बुद्ध के 24 होते ही नहीं है, बुद्ध की चीज़ अलग है, और फिर यहाँ हाथ, सबके हाथ कटे हुए हैं, और फिर वो तो ठीक है वहाँ दिख गई, लेकिन कई मूर्तियाँ ऐसी भी बैठी हुई मिल गई, तो उससे पता चल गया कि ये तुमने कुछ काटी है और कुछ ऐसी है। क्या है कि वहाँ बुद्ध धर्म चलता था, तो बौद्ध लोगों ने जैनियों की मूर्तियाँ तोड़ी, और नाम जो बुद्ध के हैं वो जो 24 अवतार के, वो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन पे दे रखे, लिखे हुए वहाँ पर चाइनीज में ऋषभ अजित संभव। एक आदमी ने अभी बताया, एक आदमी सब गया जो भी खोज करके आया, कंबोडिया में बहुत सारे मंदिर मिले, और भी कहाँ का, थाईलैंड के अंदर, बर्मा, ऐसे बहुत सारे, ये सब देश, ये सब अपने हिस्से हैं, ये सब क्या धीरे 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 सब अलग होते गए, और अलग होते ही जा रहे हैं, अलग होते गए, ठीक है आज भी कुछ ना कुछ, कोई क्या कहता है, कोई कहता है खालिस्तान अलग राष्ट्र, काश्मीर कहता हम अलग है, क्या आसाम कहता हम अलग है, वो कहता अलग है, ये तो देश में चल रहा है, चल रहा है। हाँ तो जैनों को तो वो तो राजा जो होता है वो राजा कहता है या तो सब धर्म बदल लो, नहीं तो यहाँ से रवाना हो जाओ, और नहीं तो फिर हम जो अपने हिसाब से करेंगे करेंगे, राजाओं का ऑर्डर तो राजाओं का चलता है, राजा से बहुत सारी चीज चलती है। राजा जैसे कोई शिव हो गया, शिव को मानने वाला, तो उसने ऑर्डर दे दिया कि या तो सारा धर्म बदल लो सबके सब, पहले क्या होता था, पहले राज्य व्यवस्था होती थी तो उसको कोई चुनौती देने वाला कोई नहीं रहता था, जो बोल दिया राजा ने मतलब वो राजा की आज्ञा माननी पड़ती थी, अभी तो फिर भी डेमोक्रेसी तो थोड़ा चल जाता था, लेकिन पहले तो राजा अन्याय भी करे तो कुछ नहीं, राजा मतलब सुप्रीम पावर, तो राजा को किसी शैव मत वाले शंकराचार्य ने उसको समझाया अपना धर्म सच्चा है, ये वो है, तो बस उसने आज्ञा दे दी भाई ये जो है ये मान लो या तो तुम नहीं मानोगे तो हम फिर ठीक करेंगे तुमको। कई लाखों लोग
मृत्यु के भी घाट उतारे, कई कंकाल में थे इकट्ठे में थे। तो इसलिए ये जो है ये सब ये सारी मतलब ये सब बाहर की व्यवस्थाएं, लेकिन वहां पर जाओ तो आपको अनेक अवशेष मिलते। पाकिस्तान में तो कितने ही है। बीच में जब वो बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उन्होंने जो है वहाँ जो है वो जैन मंदिर को तोड़ दिया, उसका कुछ हिस्सा। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ये तो हिंदू तो ही नहीं है, तुमको तोड़ना तो दूसरे तोड़ो हिंदू, ये तो ऐसे भी पुराना मंदिर है और यहाँ के तो लोग भी नहीं है और ये तो प्राचीन ऐतिहासिक चीज है अपनी, तो इसको क्यों अपन नुकसान पहुँचाए। तो गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों को समझ में आई तो उन्होंने उसको वापस ठीक करके दिया। उसको कराची लाहौर ये सब पहले अपने हिस्से नहीं है। लाहौर की कितनी छपी हुई किताबें भी दिखा दूंगा मैं आपको, जिनवाणी जो है पहले लाहौर की उस पर लिखा है कहाँ से प्रकाशन हुआ इसका, लाहौर से कराची से। पुरानी किताबें ना 100 साल पुरानी, 110 साल पुरानी। और जो जब वो इतनी मारपीट हुई तो वो क्या नाम है उसका मुल्तान नगर था बिला मुल्तान, तो उस मुल्तान नगर में जो मंदिर था वो सारा मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ थी सारी मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठी की, मूर्तियाँ इकट्ठी करके वो सारे के सारे लोग पूरा मूर्ति और सब चीज लेके रातों रात प्लेन से यहाँ आ गए। अभी जयपुर में उनका एक उनकी बस्ती है, उसका नाम है मुल्तान नगर, जैनों की, सब जैन है। उन्होंने वही कोई मंदिर यहाँ ला के रख दिया क्योंकि वहाँ उनके ऊपर आक्रमण होने की संभावना, तो सब आ गए। उनकी पूरी कॉलोनी है उनकी, पहले वहां रहते थे, वो सब छोड़ा है वहां पे सारी जमीन जायदाद सब, जमीन के चक्कर में खुद भी हो जाते ऊपर में, इसलिए उन्होंने उसका लालच छोड़ा और आ गए। जो वहीं रह गए या तो वो जो भी बन गए सो हो गए, या तो मुसलमान बन गए हो, या फिर जो भी हुआ हुआ, क्या करें, देश काल की परिस्थितियां होती रही। अरे मैंने तो इतना तक देखा है, ये जो मंदिर है ना अपने, अधिकांश अपने मंदिरों में नीचे तलघर है, तलघरों में फेक दीवारें, फेक माने फेक दीवार मतलब आपको दीवार होगी मोटी दिखेगी आपको, लेकिन वो एक्चुअली मोटी दीवार के अंदर बीच में पोली रहती है, तो बीच में सबने जगह बना रखी थी। तो ये क्या होता है, जो दंगे होते थे तो उनको जरा डर लगा तो सारी मूर्ति नीचे ले जाके उसके अंदर रख देते थे। क्या ये जितने मंदिर है सबके नीचे अच्छी बढ़िया, वो मारवाड़ी मंदिर है ऊपर ही, नीचे पूरा तलघर है, कभी देखा भी नहीं होगा आप लोगों। अच्छा बड़ा पूरा तलघर है, पूरी प्रॉपर्टी रख दे वहाँ के ऊपर से आके चले जाए, क्या करें, लड़ने वाला था। कल्याण मोहन मंदिर में देखा मैंने, नीचे पूरा तलघर है तो फेक दीवार है पूरी, आदमी आए तो उसको लगे दीवार है क्योंकि दीवार के अंदर पूरी पोल है, पूरी उन पोल में पूरी की पूरी वेदी विराजमान हो सकती है, इतनी रख रखी है। सब बहुत सोच समझ के, क्या है जो पूर्वज लोग रहते थे ना, बहुत सोच समझ के काम करते, उनके जितने भी मंदिर है आज, जितने भी पुराने लोगों के मंदिर देख लो आप, सारे मंदिर आपको बड़े बड़े मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे नहीं मिलेंगे, 1000 के प्लाट पे, 1.5 हज़ार के प्लाट। और आजकल लोगों के बड़े बड़े हवेलियाँ बनते, घर नहीं होते हवेली होती है, 5000 मकान, 5000 स्क्वायर फीट में मकान बना रहे, और मंदिर तो 750 के ही आते, ऐसी स्थिति है। और वो भी क्या है, वो भी यदि वो भी 750 में खुद के पैसे से खरीद लिया हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी क्या है, ये है ना जमीन काय की बगीचे की, बनाओ इस पे आराम से। क्या कौन ईमानदारी की जमीन खरीदने को तैयार है, मैंने इनके भाव देखो तो सही, कितने परिणाम में मतलब परिवर्तन आ गया। इनको मंदिर के लिए जो है कोई और मतलब इनको मंदिर के लिए जमीनों पर कब्जा करना पड़ता है, कब्जा करके बनाना चाहते हैं मंदिर, और घर भी कब्जा करके बना ये कोई परिणति अच्छी तो ही नहीं है। एक तरफ जो है तुम लोगों को खिलाने पिलाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दो महावीर जयंती के दिन, खैर तो ऐसे ही है मतलब ये सब चीजें, इसलिए इसमें ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों की सोच बड़ी अद्भुत होती थी। सारे आप देखो इतने विशाल है, यहाँ आके जो आनंद आता है देखो,
अभी आप चले जाओ कोई छोटे मोटे में चित्यालय में तो थोड़ी देर में अपने को लगता रहे यहाँ अपने अच्छी हवा भी आ रही है बिना कोई पंखे के, लेकिन प्राकृतिक चीज है, घंटों भी बैठे रहे हो तो ऐसी थकान नहीं लगे और अच्छा कोई कंजस्टेड नहीं है, अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी वेदियां हैं। क्या ये दुर्भाग्य है लोगों का कि लोग इसकी महिमा नहीं समझते। कॉलोनियों में जाते हैं वहाँ दूर दूर तक मंदिर ही नहीं मिलता, मंदिर ही मिलता है तो छोटे छोटे मंदिर रहते हैं सब जरा जरा से, 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में, 1,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में, क्यों आपके राजेंद्र नगर में कितना बड़ा है, छोटा ही है ना। और भी जो नए मन रहे उनकी भी स्थिति, क्योंकि लोगों से धन तो ही निकलता है, धन तो उनको खिलाने पिलाने में शादी ब्याह में खर्च करेंगे वो, इसमें तो ही धन खर्च करते हैं। और पहले के लोग जमीन अच्छी रहती थी और बना देते बड़ा अच्छा आराम, दिल खोल के मंदिर, मतलब मंदिर के लिए सब करने को तैयार है। उनके घरों की कभी छत ऊंची नहीं होती थी मंदिर के शिखर से, और अब तो सबकी छत ही ऊंची होती है। बहुत सारी बातें हैं, मैंने लोगों के परिणाम की बात है, देखो ये परिणाम जो है वो कितने निकृष्ट हो रहे हैं इस काल में। पैदा ही ऐसे जी होते हैं, कसाई जी, क्या जिनको विवाह में खर्च करने में लगेगा धन का सदुपयोग और ज़्यादा होगा तो जो है अपने दिखाने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, अपने मकान पर भी खर्च करेंगे, लेकिन उनको मंदिर के नाम पर 5 पैसे भी देने में पसीना जाता है, भग जाए यहाँ से, कम के यहाँ 11,000 रुपये लगेंगे अभी किताब के तो भग जाए छोड़ के। ऐसे लोग क्या करो, पढ़ना भी खुद के हित के लिए पढ़ना भी, तो इसलिए पहले जमाने में ये सब इतना बड़ा हिस्सा था, हिंदुस्तान इतना बड़ा था, कंबोडिया वंबोडिया तो यहाँ पे मंदिर है सब, यहाँ पंचमेरु की रचना है, नंदीश्वर की रचना है, क्या समझा है ना। तो ये जो द्वीप समुद्र है ये असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो नंदीश्वर द्वीप की इसलिए इतनी वो है महिमा, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में देवतागण जो है अष्टांगिका के दिनों में पूजन अर्चन करने जाते हैं और उसकी प्रतिकृति बहुत बनी हुई है, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप देवता जा सकते हैं हम नहीं जा सकते तो हम यही उसकी प्रतिकृति बनाते हैं, इसलिए आज भी इन देशों में प्रतिकृति बनी हुई है। ये अपने को तो ये बता रहा था मैंने, अनेक देशों में वो जो प्रतिकृतियाँ हैं नंदीश्वर द्वीप की, पंचमेरु की, सहस्त्रकूट चैत्यालय की, ये सब प्रतिकृतियाँ बनी हुई है बाहर के देशों में। कभी एक मूवी बनी हुई है, आपको उन्होंने देखी नहीं, देखी होगी, कभी होगा तो दिखाएंगे आपको, जो सब जिसने रिसर्च करी उसने तो पता है कहाँ का कहते मंदिर। अब देखो आगे, एक मिनट, अपना कहाँ था, अपन यहाँ थे ना, तो जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, उसके बाद कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र पहला, और लवण समुद्र के बाद दूसरा द्वीप धाती खंड है, धाती खंड के बाद दूसरा समुद्र कालोदी, कालोदी के बाद तीसरा द्वीप और पुष्कर वर्ष नाम सेम जो होते जाते हैं दूसरे तक की ऐसी व्यवस्था, और उसके बाद तीसरे समुद्र का नाम भी पुष्कर वर्ष, उसके आगे जो द्वीप का नाम है वही उसके आगे उसके बाद के समुद्र का नाम है, और सबसे अंतिम द्वीप और समुद्र का नाम क्या है, स्वयंभू रमण, स्वयंभू रमण। देखो आखिरी समुद्र कितना बड़ा है, पूरा एक राज्य में है ना, पूरे एक राज्य में ये गोल 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 असंख्य द्वीप समुद्र दुने 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 आगे आए तब पढ़ते हैं, तब आगे बात आगे इन द्वीप समुद्रों का विस्तार वगैरह बतलाते हैं। द्विर द्विर विष्कम्बा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्य, द्विर द्विर विष्कम्बा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्य, द्विर द्विर विष्कम्ब है इनका, इनका विष्कम्ब क्या है, द्विर द्विर माने दूना दूना है, माने दूने दूने विष्कम्ब वाले, क्या दूने दूने विष्कम्ब का मतलब समझे क्या है बताता हूँ, वो पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो पहले पहले वाले को, एक परिक्षेपिणो माने पहले पहले वाले को क्या है घेरे हुए है। किसके आकार वाले हैं, ये वलय आकृति है, ये वलय की आकृति वाले हैं, वलय की आकृति होकर पहले पहले द्वीपों को और समुद्र को आगे आगे के द्वीप समुद्र क्या है घेरे हुए हैं। देखो मैं बताता हूँ,
सबसे बीच घेर के जो है वो समुद्र इससे डबल, इससे डबल का मतलब क्या है? रेडियस, रेडियस डबल। देखो ये जितना बड़ा है ना, समझ लो ये है 1 लाख का, कितने का? 1 लाख। तो अकेला ये इधर 2 का, ऐसे डबल है, अकेला इतना जो है वो दुगना है, इतने की बात। ये विषकम भी है, जितना विषकम इसका है इसको कहते हैं वलय व्यास, ये कहलाता है वलय व्यास। और ये पूरा यहां से यहां तक का क्या कहलाता है? सूचि व्यास। ये सूचि व्यास, ये है वलय जो होता है, वलय तो वलय कितना मोटा है, वलय है ना, ये पूरा वलय चूड़ी के आकार के वलय होते हैं। तो ये एक्चुअल में है, अपन इसको कह रहे हैं चूड़ी, लेकिन ये चूड़ा है, बहुत बड़ा मोटा चूड़ा है। और वो चूड़ा कितना मोटा है? 2 लाख योजन, 2 लाख योजन की रचना है ये सब, सब रचना है 2 लाख योजन के बीच में, पूरा घेराकार में पूरी रचना है। पूरी रचना आया कि नहीं आया समझ में? गाड़ी का टायर देखा कि गाड़ी का, गाड़ी देखी, साइकिल देखी होगी ना, साइकिल के अंदर एक इनर रेडियस वाला एक होता है पहिया, और एक बाहर टायर के वहाँ होता है, और फिर बीच में ताड़ियाँ होती है। वो ताड़ियों वाला जो जगह है वो सब क्या है? वो लवण समुद्र है, और बीच की जो जगह है वो क्या है? जम्मू की। आ रहा समझ? तो फिर इसको घेर के जो है वो क्या है? वो यहाँ से यहाँ चलता है, ये हो जाएगा 13, 14 ऐसे। चार दो छः, 7, 2, 9 अच्छा 13 तो ये द्विर द्विर माने दूने दूने, और दूना दूना विषकम्ब है। ऐसे देखे जाए तो दूना क्या है, वो तो इधर भी दूना इधर भी दूना, दूना और दूना चौगुना हो गया उसको क्या, और वास्तव में बहुत बड़ा है वो, एरिया दूना नहीं है, केवल एक तरफ का व्यास ही दूना है, वलय व्यास दूना है। तो दूना दूने हैं ये सब आपस में, 2 के बाद 4, फिर अगला आएगा वो 8 हो जाएगा, और अगला आएगा वो 16 हो जाएगा, ये सब दूने 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 चलते जाएंगे ये सब। क्या किसी ने नंदीश्वर द्वीप की पूजा पढ़ी कभी? पढ़ी है नंदीश्वर द्वीप की पूजा? नहीं पढ़ी? पढ़ी किस किस ने पढ़ी, हाथ खड़ा करना। हाँ अर्चे अर्चे तुमने पढ़ी है जयमाला, याद है तुमको? याद नहीं है, किसको याद है जयमाला? 163 कोड़ी जो जन्मा, लाख 84 एक दिश मिला, है ना। अब देखो लगाओ हिसाब, आठवा है ना, आठवा
बताओ तो थोड़ा बहुत करें क्या? 163 कोड़ी जो वहाँ लाख थोड़ा सा, इसमें 1 लाख का थोड़ा था, तो 1-1 लाख के ना, तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8, 16 ये सब लाख है, तो 163 करोड़ हो गए थे भाई, इतने लाख 163 करोड़ हो गए थे, 163 करोड़ 64 लाख, 163 कोड़ी जोजनवा लाख चौरासी, एक दिश मेला आठ मोदी नंदीश्वर वास बोन बावन सतीवा नमोस्तुते। आया समझ में? इस ये इसका नहीं आया, फास्ट देखो, पहला वाला द्वीप कितना होगा? 1 लाख, दूसरा समुद्र का एक तरफ का व्यास 2, तीसरे द्वीप का एक तरफ का व्यास 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 28, 256, 512, 1024 करते जाओ, तो पहला द्वीप 1 लाख, दूसरा द्वीप, दूसरे द्वीप का व्यास द्वीप का समुद्र का होगा 2, द्वीप का हो जाएगा उससे भी दूना 4, तीसरे द्वीप का 16 और चौथे द्वीप का 64, क्योंकि एक समुद्र और एक द्वीप है, समुद्र भी दूना है और फिर समुद्र के बाद में द्वीप और उससे भी दूना है, मैंने 1 से दूना 2 और 2 से दूना 4, जैसे लवण जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को घेर के लवण समुद्र, तो लवण समुद्र दूना, लवण समुद्र को घेर के धाती कंड द्वीप और दूना, 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16, समझ में आ रही की बात? तो ऐसे करते जाओगे आप तो आठवां द्वीप जब आप जाओगे तो 163 84 आ जाएगा, 16384, और उसमें 1 लाख का गुणा करेंगे ना, क्योंकि सब 1-1 लाख के, अपन ने 1, 2, 4, 8 लिख दिए, तो 1 लाख का जब गुणा करोगे तो 163 लाख, 16384 लाख, 16384 लाख को अपन ऐसे बोल सकते हैं, 163 करोड़ 84 लाख, 163 करोड़, माने इसमें लाख को करोड़ बनाना है ना, तो लाख को करोड़ बनाने के लिए 100 से और डिवाइड कर दो तो 163.84 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 163 कोड़ी और लाख 84 एक दिश में लहा आठ मोदी नंदीश्वरम भास्वर, समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? किस किस को आ गई बता दे? अजय नहीं, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? फिर से बता रहे किस किस को आ गई? जिनराज नहीं आई, नहीं आई, जिनराज को समझाना पड़ेगा। चलो कौन बताएगा? आप बता दो, समझा दो थोड़ा। वो तो ठीक है, उनको और कुछ उसके पहले का नहीं समझ में आया, कैसे आया वो, ये कैसे आया 16384, ये कहाँ से ले आया हमें, क्या की है?
क्या कह रहे ऐसे ही है, किसको मल्टीप्लाई किया? नहीं नहीं वो तो 163.84 लाख को तो समझ में आ गया आपको, चलो लेकिन 16384 आया कैसे, ये कैसे आया, ये 16384 कैसे आया? डबल डबल करते गए ना, एक का डबल दो, दो का डबल चार का आठ, ऐसे डबल डबल करते जाओ तो क्या जाएगा 16384। बीच के से समुद्र है ना, ये दो जो लिखा है वो समुद्र है, दो लाख लवण समुद्र, 8 लाख दूसरा समुद्र, 32 लाख तीसरा समुद्र, 128 लाख चौथा समुद्र, 512 पांचवा समुद्र, 2048 छठा समुद्र, और 8192 सातवा समुद्र, आठवा द्वीप है एक साइड का। हाँ पूरा तो ही नहीं है, पूरा तो अभी और आ जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ वो ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि पावर 16 आठवा है ना, तो 7 तो भाई 14 15 क्योंकि पावर 16 हो जाएगा, 15 आएगा ना, 0 से चालू हो रहा है, 0 15 14 होएगा क्योंकि पावर 14 आया। कच्चू समझ में नहीं आया, आ गया ना कैसे आता ये, नहीं तो क्या है जिनवाणी पढ़ जाओ, अपन पढ़ते जाओ बस, क्या लिखा है द्विर द्विर विष्कम्बा, तो ये दुगने दुगने विष्कम्बे, पूर्ण पूर्ण परिच्छेपिणो, पूर्ण पूर्ण को परिच्छेपिणो माने पूर्ण पूर्ण को घेरे हुए है, और किसके आकार के हैं, वलय के आकार के। देखो पढ़ता हूं, इन द्वीप और समुद्रों का विस्तार आगे आगे दूना होता गया है, कितना होता गया है ये दूना दूना होता गया, आगे आगे दूना दूना होता गया है, तथा प्रत्येक द्वीप और समुद्र अपने से पूर्व के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए है, और किसके आकार के हैं, चूड़ी के आकार के, बहुत बड़ी चूड़ी है वो, पूरी घेरी हुई, जैसे बीच में कुछ थाली रख दोगे थाली को घेर के एक चूड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चूड़ी के आकार के। अर्थात पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दूना विस्तार पहले समुद्र का है, दूना विस्तार एक तरफ का, जैसे एरिया तो ज्यादा आता है, जितने एक जम्बू द्वीप का जितना एरिया है उतने 25 जम्बू द्वीप उसमें आ जाए लवण समुद्र, इतना बड़ा होता है लवण समुद्र, एरिया एरिया निकालना उससे सबसे, लेकिन वो केवल वलय व्यास एक तरफ का दूना है। समझ में ही बात, कुछ आप तो छोड़ दो 25-25 का, आप तो इतना समझ लो जितना बड़ा जम्बू द्वीप है थाली के आकार का, जितना उसका डायमीटर है उससे दूना वलय व्यास लवण समुद्र का। हाँ इसके अंदर नक्शे दे रखे हैं ऐसे। अब देखो, अर्थात पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दूना विस्तार पहले समुद्र का है, उससे दूना विस्तार दूसरे समुद्र का है, और उससे दूना विस्तार दूसरे समुद्र का है, इस तरह द्वीप से दूना विस्तार समुद्र का, और समुद्र से दूना विस्तार आगे के द्वीप का है, तथा जम्मू द्वीप को लवण समुद्र घेरे हुए है, लवण समुद्र को धातीखंड द्वीप घेरे हुए है, धातीखंड द्वीप को कालावधी समुद्र घेरे हुए, इस तरह जम्मू द्वीप के सिवा शेष सब द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार वाले हैं, अकेला ही जम्मू द्वीप थाली के आकार का है, बाकी सारे द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार वाले हैं। और ऐसे करते जाएंगे तो आखिरी में जाएंगे, आखिरी में जो गोला बचेगा, गोले बचेगा ना, अभी क्या ये है सर, चोकोर है एक राजू भाई, एक त्रसनाड़ी है ना, ऐसे त्रसनाड़ी एक राजू भाई एक राजू, उस त्रसनाड़ू में सारा विस्तार है, तो ये इसलिए ये जो चार कोने हैं, ये कोना चार कोने छूट जाए, इनमें त्रियंश जीव रहते हैं यहाँ पे सब बड़े बड़े, इनके नाम चार कोने हैं।
कोने भी तो नाम है ना उनके, वो कोई द्वीप है ना समुद्र है, वहाँ बड़ी 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 जो है चीटियाँ, बड़े बड़े मक्का चीटियाँ बहुत बड़ी बड़ी मोनो तीन तीन कोस की, यहाँ से वहाँ गोमड़गिरी जितनी बड़ी चीटियाँ हैं, क्या चीटा क्या चीटियाँ, वो बड़े बड़े मधुमक्खियाँ भौरे, क्या यहाँ से पलासिया जितने बड़े बड़े भौरे, और बड़े बड़े कमल नदी के अंदर समुद्रों में, और जो है दो इंद्री के अंदर बड़े बड़े संखे, और पंचेंद्री के अंदर जो समुद्र स्वयंवर अमर समुद्र, उसमें एक एक हजार योजन लंबे, मैंने आठ मील का ये छोटा वाला तो 8000 मील लंबे, मैंने कितना हो गया 12000 किलोमीटर लंबे, यहाँ से अमेरिका जितना लंबा मच्छा, इतना बड़ा मगरमच्छ है, जगह भी खूब है ना, तो खूब बड़ा शरीर होता है, अपने जगह ही नहीं है यहाँ, यदि यहाँ ऐसा मगरमच्छ बन जाए तो मैं सब कहाँ जाए, रहने के लिए जगह नहीं है। तो इतना ही हुआ ना, तो भी 1000 का 8 मील, 8000 मील हो गए कि नहीं, पंचेंद्री के दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री कहीं नहीं है, केवल दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री आखिरी के चार कोने में है, ये कोने में एक तो आखिरी समुद्र में है, और आखिरी जो द्वीप है उसके आधे में, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, बाकी सब बीच के जो द्वीप है पंचेंद्री भोगभूमिया त्रिवेंद्र, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और पंचेंद्री, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री जो त्रियंश है वो केवल कर्मभूमि में पाए जाते हैं, और कर्मभूमि केवल ढाई द्वीप तक है, और फिर आखिरी जो स्वयंभू रमण द्वीप है, और आखिरी का जो स्वयंभू रमण द्वीप भी आधा, जैसे यहाँ पर आधा है ना पुष्करवर द्वीप, जैसे आखिरी का जो द्वीप है वो आधा तो भोगभूमि में जाता है, आधा कर्मभूमि में जाता है, और फिर उसके बाद जो समुद्र है वो कर्मभूमि में है, और चार कोने भी कर्मभूमि में, जहाँ कर्मभूमि है वहाँ विकलेंद्रीय, अरे कुछ नहीं है, कर्मभूमि बहुत बड़ी है, आधा राजू कर्मभूमि का है अकेला, आधा और आधा, समझ में आया, देखो ये गणित समझ में आता हो तो ये नियम है, एक और दो तीन, तीन में एक बड़ा है तो चार हो गया ना, पीछे के सारे जोड़ दो उसमें एक बड़ा दो बस, 1,00,000 पीछे के सारे जितने भी द्वीप समुद्र हुए उन सबका जोड़ निकालो, तो उससे जो अगला वाला होता है वो अगले वाले में एक जोड़ने पर उन सबका टोटल आ जाता है, मैंने पीछे का सबका टोटल में एक जोड़ दो तो अगले वाले का व्यास आ जाता है, तो पहले के जितने द्वीप समुद्र है उनमें 1,00,000 जोड़ देंगे तो आखिरी वाले समुद्र का व्यास निकलेगा, तो पहले का सबका आधा राजू है और उसमें 1,00,000 जोड़ दिया तो आधा राजू अगले का आ जाता है, 1,00,000 की कोई गिनती नहीं, मैंने जितने सारे द्वीप समुद्रों का मिला के जितना व्यास है उतना अकेला स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र है, आधा राजू में स्वयंभू रमण समुद्र, आधा राजू में, और उसके पहले का जो स्वयंभू रमण द्वीप है वो 1/4 राजू है, अपने अपन तो कुछ चीज ही नहीं है, यहाँ पे अपन तो टिलटिली भी नहीं है, अपन लोगों को भले लगता हो मेरी इतनी जमीन है, इतनी है तुम्हारी, बहुत विस्तार वाली रचना है, तो आधा राजू अकेला स्वयंभू रमण समुद्र है, और उसका पहले 1/4 आधा, पहले एक उसके पहले जो द्वीप है वो कितना है 1/4 राजू, और उस 1/4 का आधे भाग में कर्मभूमि आधे भोगभूमि, तो 1/8 राजू वो और आधा राजू ये, इसमें तो पूरी कर्मभूमि, तो भोगभूमि तो बहुत कम है, ढाई द्वीप, अभी बताऊंगा मैं वो कल अपन कितना जा सकते हैं, कल दिन में लगाना है कि रात को लगाना है, कितने लोग रात के फेवर में कितने लोग दिन के फेवर में, हाँ नहीं कितने लोग रात के फेवर में कि रात को होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6, और कितने लोग दिन के फेवर में कि दिन में करो, 4, 8, 9,
और कितने लोग दोनों के फेवर में कभी भी करो। एक एक बार हाथ तो खड़ा कर लो भाई, पता चले मेरे को दो चार छह और एक साथ ही है। मैंने दिन में करने वाले ज्यादा है एक्चुअली, क्या बात है। तो क्लास का टाइम चेंज कर जाएगा, दिन में फिर करेंगे, दिन में करना है फिर। कितने लोग दिन में नहीं आ पाएंगे, दिन रात दिन में नहीं आ पाओगे। किसकी शादी में जाना है क्या, कोचिंग में जाना है? अच्छा, और किस किस को दिक्कत है, और किस किस को दिक्कत है? जिंदर आ तो जाओगे ना, बस आ जाओगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखेंगे हम। अभी बोल रहा आ जाओ। और कौन कौन है, और कौन है जो दिन में नहीं आ पाएगा? दिन में तीन से चार, बस एक घंटे। ऐसा तो ही नहीं आपको छः बजे तक बिठाए रखेंगे, चिंता मत करो। ये तो अभी टाइम भी है,